नमस्कार, पेपर बाइंड प्रेशर लैम 38 और 68 के इंस्टॉलेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका पेपर बाइंड के प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का। ये मशीन पेपर बाइंड लैमिनेशन 38 है। 68 और 38 में सिर्फ साइज़ का फ़र्क है, कुछ भी ज़्यादा और कोई चीज़ का फ़र्क नहीं है। ये मशीन जब आप बॉक्स से अनपैक करते हैं, अनपैक करने के बाद में टॉप और बॉटम में रोलर लगे हुए रहेंगे लैमिनेशन फिल्म के, और पीछे की तरफ एक पावर कॉर्ड है। वो पावर कॉर्ड आप आपके मेन सप्लाई बोर्ड में कनेक्ट करें, और पीछे एक लाल रंग का स्विच है, वो स्विच से ऑन करें मशीन को। फिल्म लगाने से पहले ये इसका पैनल है। पैनल के अंदर ये अपर रोलर के लिए है। ये अगर आप अपर दबा देंगे तो अपर का रोलर का टेम्परेचर ब्लिंक करने लगेगा, और अगर आप लोअर दबाएंगे तो लोअर का टेम्परेचर ब्लिंक करने लगेगा। इस मशीन की खासियत है कि जो इसके ये दो सिलिकॉन रोलर्स हैं, दोनों का ही टेम्परेचर एडजस्टेबल है। आप टॉप का टेम्परेचर अलग रख सकते हैं, बॉटम का टेम्परेचर अलग रख सकते हैं। ये इसकी फीड टेबल, अगर आप यहाँ से उठाएंगे और बाहर पुल करेंगे तो ये बाहर आ जाती है। इस तरह से आप रोलर्स का पूरा एक्सेस कर सकते हैं, और रोलर्स को क्लीन करने के लिए भी यही प्रोसेस रहेगा। क्लीनिंग करने के लिए आपको वाइट अल्कोहल या पेट्रोल काम में लेना पड़ेगा। लगाने के लिए इसके अंदर नॉच है, ये नॉच इन होल्डर्स में जाएंगे और इसके ऊपर आके सीट हो जाएगा। यहाँ पर एक सेफ्टी सेंसर दिया हुआ है जो कवर बंद होने के बाद एक्टिवेट होता है, और उसके बाद ही मशीन आपकी ऑपरेशनल होती है, उसके बिना मशीन नहीं चलती। कीपैड के अंदर ये वाला स्विच अपर रोलर के लिए टेम्परेचर सेट करने के लिए, ये लोअर रोलर के टेम्परेचर को सेट करने के लिए, ये हॉट और कोल्ड के अंदर स्विच करने के लिए, ये स्पीड एडजस्ट करने के लिए, ये प्री प्रोग्राम 9 मेमोरी फीचर्स को ऑन करने के लिए जो कि हमने मैनुअल के अंदर दिया हुआ है। प्रोग्राम नंबर 1, प्रोग्राम नंबर 2 और ऐसे 9 प्रोग्राम्स जो हम लोगों ने पहले से प्री प्रोग्राम किए हुए हैं अलग अलग फिल्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये स्टैंड बाय को कन्वर्ट करने के लिए, मशीन को स्टैंड बाय मोड पे ले जाने के लिए, ये टेम्परेचर की कंडीशन को चेक करने के लिए कि अभी क्या टेम्परेचर है मशीन का टॉप और बॉटम रोलर का, ये मशीन को रन करने के लिए, ये मशीन को स्टॉप करने के लिए, ये मशीन को रिवर्स करने के लिए अगर कोई पेपर जाम हो जाता है तो। ये मशीन के अंदर एडजस्टमेंट नॉब है प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए। लेवल 1 6 mm की माउंटिंग के लिए, लेवल 2 5 mm की माउंटिंग के लिए, लेवल 3 3 mm की माउंटिंग के लिए, लेवल 4 1.5 mm की माउंटिंग के लिए, और लेवल 5 आपके सभी प्रकार के लैमिनेशन, पेपर लैमिनेशन की रिक्वायरमेंट के लिए। आप 170 GSM से 300 GSM तक का कोई भी पेपर इसमें लैमिनेट कर सकते हैं। लैमिनेशन करने से पहले आपको सबसे पहले फिल्म को माउंट करना पड़ेगा, फिल्म को रोलर पे लगाना पड़ेगा। इसको लगाने के लिए कवर खोलें, फीड टेबल हटाएं, ये ध्यान दें कि ये आइडलर जो टेंशन क्रिएट करेगा फिल्म में वो यहाँ पर जोड़े हुए स्टिकर से हट जाना चाहिए, रिलीज हुआ हुआ होना चाहिए, दोनों फ्री होने चाहिए। और ये भी एक आइडलर है जो टेंशन क्रिएट करता है फिल्म के अंदर। आप फिल्म लेंगे, आप फिल्म का स्टिकर हटा करके फिल्म को रिलीज करेंगे,
और क्योंकि हम जब ट्रांसपोर्ट करते हैं मशीन को तो ये नॉब्स टाइट किए हुए होते हैं, अगर आप देखें तो ये घूमेगा नहीं, तो इसको घूमने के लिए, इसको फ्री करने के लिए यहाँ से टेंशन नॉब को लूज करें। लूज होने के बाद में ये रोलर आपका फ्री हो जाएगा। फ्री कंडीशन के अंदर फिल्म को आप लें, आइडलर के नीचे से लें, और नीचे के रोलर तक इसको खींच के रखें, फिर नीचे की फिल्म लें आप, पहले वाले आइडलर के ऊपर से और दूसरे वाले आइडलर के नीचे से होती हुई फिल्म आप खींच सकते हैं बाहर। ये देखें आप, पहले वाले आइडलर के ऊपर से और दूसरे वाले आइडलर के नीचे से खींचते हुए फिल्म को अलाइन करते हुए इसको लगा दें आप। फिर फीड टेबल आप वापस इंस्टॉल करें और कवर बंद करें। लैमिनेटिंग प्रेशर अभी ओपन पे रहेगा, और माफ कीजिएगा, एक चीज जरूर ध्यान रखें आप, ये आइडलर रोलर को लूज करके ये आइडलर ऊपर की तरफ लगना जरूरी है, इससे टेंशन बनता है नीचे की फिल्म का। एक 300 GSM का शीट लेकर के और फिल्म को अंदर की तरफ पुश करें। मशीन के साथ आया हुआ लैमिनेटिंग लीडर बोर्ड से इसको पुश करने के अंदर हेल्प मिलेगी। जब आप इसको इसमें डाल देते हैं उसके बाद पेपर अलाइन करें और फुल लैमिनेटिंग प्रेशर में लेके जाएं, जो लास्ट स्लॉट है उसमें, उसके बाद स्पीड का बटन दबाएं और स्पीड को 1 पे लेके आ जाएं। मशीन जब तक वेट में ब्लिंक करे तब तक नहीं चलाएं, जैसे ही रेडी पे आ जाए उसको रन करके ध्यान रहे आप कि शीट बाहर निकालते वक्त आपको पकड़ने की भी जरूरत हो सकती है, क्योंकि शीट अंदर गोल हो सकती है। पीछे लगे दो रोलर के बीच में से निकल के ये शीट बाहर आएगी। अब जब ये शीट आपकी बाहर आ जाए उसके बाद में जो रोल, अगर आपको फ्रंट और बैक के अंदर अगर रिंकल्स की प्रॉब्लम दिखे तो आपको ये नॉब से टेंशन बढ़ाना पड़ेगा। टेंशन थोड़ा बढ़ाएं जितना रिक्वायर्ड हो, हल्के हाथ से
टेंशन को, टेंशन नॉब को घुमाएं, उससे फिल्म के अंदर रिंकल्स निकल जाएंगे। ये ब्राउन रोलर जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कोल्ड लैमिनेशन के दौरान यूज किया जाता है। कोल्ड लैमिनेशन इसी तरह से किया जाता है, बस सिंगल साइड होता है, उसमें आपकी नीचे की फिल्म कुछ नहीं लगती है, ऊपर आपका कोल्ड लैमिनेशन का फिल्म लगता है, उसका रिलीज का लाइनर इसके ऊपर आके माउंट होता है। फिल्म इसी तरह से नीचे से होती हुई मेन रोलर के ऊपर आती है और आपको कोल्ड मोड लेना पड़ता है। जब यहाँ पर कोल्ड होकर के रेडी हो जाएगी तब ही कोल्ड लैमिनेशन होगा। उसका लैमिनेशन करते वक्त आपको इसका टेंशन नॉब टाइट करना पड़ेगा। ये टाइट होगा तभी ये अपने आप घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। हमने हमारे मैनुअल में सभी प्रकार की डायग्राम दिया हुआ है। कोल्ड लैमिनेशन के लिए कोल्ड लैमिनेशन फिल्म आती है, ये उसका लाइनर, ये उसका लाइनर निकल के इसी तरह से इस ब्राउन रोलर टेकअप रोलर पे रोल हो जाता है और ये यहाँ से फिल्म निकल के और बाहर आ जाती है। सिंगल साइड लैमिनेशन करने के लिए नीचे का फिल्म काट दिया जाता है और ऊपर का फिल्म लगाया जाता है और लोअर रोलर का टेम्परेचर 30 डिग्री किया जाता है या रूम टेम्परेचर, जो भी आपका रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री 25 डिग्री आप उसके आसपास रखें। और सिंगल साइड लैमिनेशन के लिए जो ये फिल्म आपका जा रहा है वो इस आइडलर से नीचे होते हुए और डी कर्लिंग बार के ऊपर होते हुए एग्जिट रोलर से निकलना चाहिए। ये इस तरह से देखें आप, आपका लैमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं चलती हुई मशीन में भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।